जिंदगी में गोल सभी अचीव करना चाहते हैं, जिंदगी में सभी स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। मर के स्वर्ग लाभ करे वैसा कोई नहीं सोचता है। वैसे ही हम लोग अपने गोल को अचीव करने की कोशिश में ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन किस तरीके से उसे करें वो खोज हमारे ज़िंदगी में रह ही जाता है। और इसी खोज की तलाश में आज की ऑफ एजुकेशन जोन निकल पड़े हैं। वेलकम टू आवर चैनल ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हम हमारे गोल को अचीव करें। इसके लिए पहले हम लोग स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन एक लड़का एक वृक्ष को पकड़ के जकड़ के चिल्ला रहा था कि मुझे इस वृक्ष ने पकड़ लिया है, छोड़ दो छोड़ दो, अरे कोई बचाओ। ऐसे वहाँ से कुछ लोग जा रहे थे, एक संत भी और उनके साथ में उनके कुछ शिष्य। वो लोग जाते हुए देखे तो एक शिष्य ने कह दिया कि गुरुजी चलिए ना हम जाके उसे बचाते हैं। गुरुजी ने हाथ उठा के कहे कि रुक जाओ, देखो उस वृक्ष को पकड़े हुए कौन है, उस लड़के ने। सो उस लड़के को खुद को समझना है कि किस चीज़ को तुम जकड़ के बैठे हो। अगर तुम उसे जकड़ के बैठे हो तो उससे मुक्ति तुम्हें कैसे मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकता है ना। इसीलिए ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में भी है। अगर आप कुछ सोच के समझ के बैठे हुए हो, सपोज़ कोई आपको कुछ हर्ट किया है, अपमान किया है, किसी चीज़ को बता के आपको परेशान कर दिया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, आपको कुछ बुरा भला कह दिया है और आप भी रूठ के चिल्ला के बहुत कुछ कह दिए हो, इस चीज़ में नुकसान किसका है? इस चीज़ में हर चीज़ों में कौन जकड़े हुए हैं? आप अगर इसे सोचो कि अहमियत दो कि जो इंसान आपको आके आज हार्ट करके चला गया, कुछ बताए तो उसके लिए आपके दिमाग परेशान हो गया, मतलब आप उस आदमी लोगों को बहुत ज़्यादा मानते हो। वो आपके दिमाग में ऐसे है कि उसके सोच उसकी कुछ भी बातें से आप परेशान होते हो, लेकिन आपके मालिक हो। अगर आप सोचो बाहर की दुनिया कुछ भी कह दे हम उसमें परेशान नहीं होंगे। मेरा एक लक्ष्य फिक्स्ड है, मैं उसे फिक्स करके उसके तरफ ही आगे बढ़ रही हूँ। आगे पीछे कोई भी आ सकता है, आगे पीछे कोई भी कुछ भी कह सकता है। ऐसा पॉजिटिविटी अगर आप अपनी ज़िंदगी में आपके दिल और दिमाग में ला रहे हो कि कोई कुछ भी बता के चले जाए। आप सोचो आपको कोई रास्ते से कुत्ते ने भोंका तो आप उसको लेके नहीं सोचते हो, जो इंसान आपके दिमाग में है उनके ही बारे में आप सोच सकते हो। आप अपमानित हुए हो ये आपकी खुद की सोच है और आप उसको एक चुनौती दिए हो। जिसने आज आपको कुछ कहा उसको दिमाग में लेके बैठ के चिंता करने के मतलब उसी पेड़ को जकड़ लेना है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो, कोई कुछ आके बोल दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान बाहर के कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। एक दिन आइंस्टाइन को भी लोग बुद्धू समझे थे, बचपन में सब सब्जेक्ट में फेल कर दिए थे, तो वैसे आज भी कर सकता है ना। जो भी कोई बाहर का सोच रहा है कि आप पागल हो या आप बुद्धू हो, कुछ भी सोच ले, उससे आपका क्या, आपके लक्ष्य तो फिक्स्ड है और आपको उसी तरफ जाना है। इसके लिए आपको काम करना है, बिना काम के किसी को कुछ मोक्ष लाभ नहीं होता है। तो आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो,
आगे पीछे कौन क्या बोल रहे हैं उसको जस्ट छोड़ दीजिए। 6 रिपु हमारे शरीर के अंदर में बैठे हुए हैं। उस 6 रिपुओं को अगर आप पूरे ध्यान में रख दोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस 6 रिपुओं को कंट्रोल करने वाले भी आप खुद हो, कोई बाहर का इंसान नहीं है। और कोई बाहर से अगर कंट्रोल कर रहा है, इसके मतलब आपके दिल में कोई सुकून नहीं है। चलिए एक स्टोरी और बताते हैं। एक दिन एक इंसान कहीं पे जा रहे थे, ये बहुत नोन स्टोरी है, बहुत लोगों को पता भी है। एक ब्राह्मण इंसान कहीं पे जा रहे थे तो उनको किसी शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपको मैं कुछ भेंट में देना चाहते हूँ। भेंट में उन्हें एक छाग मिला तो उन्होंने सोचा कि इस छाग को जाके पालेंगे और इनका जो दूध मिलेंगे ना उनसे हम भगवान की सेवा करेंगे। ऐसे ही सोच में उस छाग को वो कंधे में लेके चल रहे थे। कुछ चोरों को ये दिखाई दिया, वो तो साधु आदमी नहीं है ना, असाधु आदमी है। उन लोगों ने तय किया कि हम लोग एक साथ में कुछ नहीं बताएंगे। एक जन यहाँ पे खड़े हुए तो कुछ दूर में और एक, कुछ दूर में और एक इंसान खड़े हो गए। अब जब वो ब्राह्मण उस छाग को लेके आ रहे थे तो एक ने कह दिया, अरे गुरुजी आपने क्या क्या कर दिया, आपने तो एक कुत्ते को लेके खड़े हैं, कुत्ते को कंधे में लेके जा रहे हैं आप। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, ये कुत्ता नहीं ये एक छाग है, शायद तुम्हारे आँख में कोई प्रॉब्लम है। कुछ दूर जाते हुए और एक इंसान जो कि उनके साथ मिले हुए हैं वही कहा कि आप एक कुत्ते को लेके जा रहे हो कंधे में। इनको थोड़ा डाउट हुआ, अच्छा ये कुत्ता है। खुद के बुद्धि में विचार नहीं किया उन्होंने, सोचने लगे कुत्ता तो नहीं। दोनों ने कह दिया। अब जब तीसरे ने फिर से वही बात को रिपीट किया तो वो इंसान, मतलब वो ब्राह्मण इंसान कन्फर्म्ड हो गए कि ना ये कुत्ता ही है, ये कोई भी और चीज़ नहीं है, छाक नहीं है। बल्कि वो खुद जानते थे और उनको पता था कि ये एक छाग है। देखिए वो दूसरे में कितने मोटिवेट हो गए दूसरों के बातों में कि वो खुद की बातों को भूल गए। जो उनके जाने चीज़ है, उसको जाने पहचाने चीज़ें हैं, उनको एकदम ही अहमियत नहीं दिए, वो चले गए दूसरे के बातों में और उस छाग को कंधे से नीचे उतार के रख के चले गए। और ये जो तीनों असाधु आदमी खड़े थे उन लोगों ने मिलके उसको ले लिया और मांस खा के बहुत मस्ती की। इस चीज से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि आप जो जानते हो आपके बुद्धिमत्ता को आप खुद टटोलो, दूसरे के बातों में नहीं आओ। द सेम थिंग इन आवर लाइफ। अगर आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, अगर आप कुछ बताना चाहते हो किसी को कि हम इस सोसाइटी को, इस देश को, इस दुनिया को कुछ दे के जा सकते हैं, हम एक असीम है, अनंत है, तो हमें खुद के विकास के लिए दूसरों को अवॉइड करना ज़रूरी है। किसी भी शोक ताप या किसी के चले जाना, किसी के आना, किसी ने दिल दुखा दिया, किसी ने मुंह फोड़ दिया, इस चीज़ में अहमियत मत दीजिए। और अगर देना है इस चीज़ों में ही आप दीजिए, इसी में ही जगड़ के रखिए। अगर आप कुछ गोल भी अचीव करना चाहते हो, जैसे कि मैं शुरुआत में ही कही थी, सब इस दुनिया में कहते हैं कि मुझे स्वर्ग लाभ करना है। स्वर्ग लाभ कैसे करोगे, मोक्ष मिलना है मुझे, इस वजह से मैं ये करता हूँ। मोक्ष कब मिलेंगे, मरने के बाद ना। लेकिन आपको जब कहेंगे कि आप मरना चाहते हो, नहीं बाबा हम तो नहीं चाहते,
आप मरना नहीं चाहते हो, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग लाभ कैसे करोगे वो सोच रहे हो। आप गोल तो अचीव करने की दिशा में नहीं चल रहे हो, गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ इतना बुरा है। जब भी आप सोचो ना कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो आप देखना इसके रीज़न भी आप खुद ही हो। किस चीज़ को आप बुरा समझ रहे हो? अपने सराउंडिंग्स, सर्कमस्टेंसेस को। ये सर्कमस्टेंसेस किस लिए है? इसलिए ना, ताकि हमारे सोच में ये चीज़ है। सपोज किसी इंसान के पैर टूटा है, तो वो सोचता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकते, और किसी के दो टांग ना होते हुए भी वो एवरेस्ट को चढ़ के दिखा देता है। उसमें कुछ ज़्यादा हो जाता है, उसके भी पैर नहीं, इसका भी पैर नहीं। द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, अपने आप में इतना पॉजिटिविटी लाइए कि हाँ भाई आए हो, ठीक है, इसको भी फेस कर लेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर चीज़ अगर आप पार्ट ऑफ लाइफ समझो, उस चीज़ को देख के अपने गति को आगे बढ़ाओ, तो गोल अचीव करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और हम लोग हर कोई अचीव करने की तरफ ही जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग को ठीक रख के। ये चीज़ हमारे अंदर है, बाहर नहीं। ये चीज़ किसी दुनिया से नहीं मिला है, हम मिला है, हमारे खुद के अंदर है। तो हमारे साथ में बोलिए, चलिए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमको हमारे काम से है मतलब। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हमको हमारे काम से है मतलब। कर्म देता है मोक्ष, दूसरा कुछ नहीं। आप गीता के भी सारांश यही है कि आप अपने काम करते जाओ, ये कर्म करने पे ही एक ना एक दिन आपको फ़ायदा मिलेंगे। आज कर्म करते हुए आपको लग रहा है कि अरे सब कोई ऐसे अचीव कर रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई भी एक फूल के, खुशबूदार फूल के पेड़ अगर आप बुनोगे और उसको जो रोज़ पानी देते जाओगे, तो एक ना एक दिन उसमें ज़रूर खुशबू आएंगे, खुशबू वाले फूल आ जाएंगे। तो वही है हमारी ज़िंदगी में भी। सो टू अचीव द गोल, ओनली यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन माइंड, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। मे बी एवरीथिंग चेंज, मे बी एवरी सर्कमस्टेंसेस में चेंज, और एवरी पर्सन में चेंज। दे आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ऑब्वियसली, बट दे आर नॉट योर लाइफ, इट इज़ योर लाइफ। सो द कंट्रोल इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। दैट मीन्स हर कुछ आपके लिए चेंजेस हो सकते हैं। आपको सब कुछ को पार्ट ऑफ लाइफ लेना है, लेकिन काम पे ध्यान देते जाना है। खुद के काम सही से करो, तो आज कोई उसका अहमियत दे ना दे, एक ना एक दिन उसका फल आपको ज़रूर मिलेंगे। फल के कोई टेंशन नहीं, काम पे ध्यान देना है। बस आज के वीडियो में इतना ही बताना था आपको। ये मेरी खुद की एक सोच है, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करके ज़िंदगी में अभी शांत हूँ। दिमाग के शांति सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगर आपको भी चाहिए दिमाग की शांति, तो चारों तरफ का, इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ क्या हो गया, वो क्या हो गया, इस सोच को बदल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, तो क्या करना है आपको? जी हाँ, लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लीजिए, प्लीज़। इसे हम मोटिवेट होते हैं, लिख दीजिए कि अच्छा है या बुरा है, कुछ भी सोच है आपको बताइए।
अगर आपको अच्छा लगे है तो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलता है नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।